Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पांडु के पांच पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। ये पांचों पुत्र पांडु को उनकी पत्नियों द्वारा भगवान का आह्वान करने पर प्राप्त हुए थे। पांडु के मन में यह बात थी कि उन्हें पांचों पुत्र उन्हें भगवान के आह्वान से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए उनमें पांडु जैसा ज्ञान और कौशल नहीं आ पाया। इसीलिए पांडु ने अपनी मृत्यु से पहले यह वरदान मांगा था कि उनके पांचों पुत्र उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि पांडु का ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। इसीलिए जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिलकर खाया था। माना जाता है कि पांडु के शरीर के मांस का ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, इसीलिए उसे सबसे अधिक ज्ञान था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के तीन हिस्से खाए थे। जब सहदेव ने पहला टुकड़ा खाया तो सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही सहदेव को भविष्य का ज्ञान हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण के अलावा सहदेव ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में सारी बातें पता थी। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये बातें औरों को ना बता दे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया, यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.